सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पेपर नंबर 13, दैट इज कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस। सो इफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन ऑफ ग्रुप 3 फर्स्ट टाइम, देन डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू। सो वन पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम शेयरिंग हियर दैट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नाउ लेट्स डिस्कस विद दैट इंपॉर्टेंट वन पॉइंट एंड आफ्टर दैट आई विल शेयर फ्यू मोर पॉइंट्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। सो अकॉर्डिंग टू मी देर आर ओनली टू पार्ट्स इन कंपनीज एक्ट, सॉरी इन पेपर नंबर 13, पार्ट ए इन पार्ट बी, बिकॉज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर पार्ट ए विल बी डिफरेंट एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर पार्ट बी विल बी डिफरेंट। सो आई हैव बाइफर्केटेड ऑल द थिंग्स इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो इन पार्ट ए व्हाट आर द एक्ट आई हैव इंक्लूडेड, सो इन पार्ट ए आई हैव इंक्लूडेड कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, एंड थर्ड इज कॉम्पिटिशन एक्ट। एंड इन पार्ट बी रिमेनिंग ऑल अदर लॉज आई हैव इंक्लूडेड इन पार्ट बी, दैट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल सेबी, फेमा, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट टू पार्ट्स, विच आर द एक्ट आई हैव इंक्लूडेड इन पार्ट ए एंड विच आर द एक्ट आई हैव इंक्लूडेड इन पार्ट बी। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वाई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर पार्ट ए इज डिफरेंट, बिकॉज इन फ्रॉम पार्ट ए यू विल गेट अ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन ओनली। फॉर एग्जाम्पल यू मे चेक अ लास्ट टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, यू विल फाइंड दैट फ्रॉम कंपनीज एक्ट, फ्रॉम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एंड फ्रॉम कॉम्पिटिशन एक्ट यू विल गेट मोस्ट लाइकली केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। सो यू हैव टू प्रिपेयर ओनली केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। एंड फ्रॉम पार्ट बी, हियर आई एम शेयरिंग, फ्रॉम पार्ट बी यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन वॉट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, एक्सप्लेन अबाउट फेमा एक्ट सेक्शन 3। यू मे गिव अ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम पार्ट बी, एंड फ्रॉम पार्ट ए यू विल गेट अ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो फ्रॉम वेयर यू कैन डू अ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, सो वन थिंग यू कैन बाय अ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन बुक फ्रॉम एनी स्टोर। सो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी यूजफुल टू यू इफ यू आर गोइंग टू बाय दैट लॉ बुक, वॉट एवर यू वॉन्ट। आई कांट सजेस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट माई जॉब टू सजेस्ट विच बुक्स यू हैव टू परचेज। सो यू हैव टू परचेज वन बुक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड यू हैव टू प्रिपेयर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन फॉर पार्ट ए, दैट इज फॉर कंपनीज एक्ट, फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एंड फॉर कॉम्पिटिशन एक्ट यू हैव टू प्रिपेयर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। एंड फॉर पार्ट बी यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन, सो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम मॉड्यूल ओनली फॉर पार्ट बी। सो हियर आई एम शेयरिंग वन मोर फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स हियर। फ्रॉम कंपनीज एक्ट विथ आर द एक्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम कंपनीज एक्ट पार्ट सी, दैट इज डिविडेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजरियल पर्सन एंड बोर्ड मीटिंग एंड प्रोसीजर पार्ट, दैट इज पार्ट ई एंड पार्ट एफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम अप्रॉक्स 20 to 25 मार्क्स आर कवर फ्रॉम पार्ट ई एंड एफ। यू हैव टू प्रिपेयर पार्ट ई एंड एफ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक, सो दैट विल बी अ वेरी वेरी यूजफुल। यू विल गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंसॉल्वेंसी इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। यू मे गेट अ केस लॉ फ्रॉम पार्ट जी ऑल्सो, फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमिशन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑल अदर एक्ट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द थिंग्स वंस यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। फ्रॉम पार्ट बी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विल गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन वॉट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन। सो यू हैव टू रीड फ्रॉम मॉड्यूल ओनली फॉर पार्ट बी, दैट इज सेबी लॉज एंड रेगुलेशन। यू मे गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन, यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन। सो फॉर दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, यू मे गेट डायरेक्ट क्वेश्चन। फ्रॉम कॉम्पिटिशन एक्ट वॉट हैपन, फ्रॉम कॉम्पिटिशन एक्ट समटाइम्स दे आर आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। फॉर फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दैट एग्जाम मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन। लॉ रिलेटेड बैंकिंग दे विल आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन। फ्रॉम सरफाइज एक्ट समटाइम्स दे आर आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन एंड समटाइम्स दे आर आस्किंग केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यू विल गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर श्योर। लॉ रिलेटेड इंश्योरेंस एक्ट, यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट कंपेयर टू इंश्योरेंस एक्ट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यू विल गेट अ श्योर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम कॉर्पोरेट
governance. So you have to according to you have to prepare whether you are required to do direct question or you are required to do case law based question. So once you have to check last two attempt question paper, you will get all the ideas related to from which direct question can be asked and from which case law based question will be in exam. So you have to prepare accordingly. That is one point we you have to remember, because what happened is if you are going to prepare direct question and in examination there are case law based question, so it will be difficult for you to tackle that case law based question. So you have to prepare accordingly from first day. So that is one simple advice from my side. I hope this video is helpful to you. So share this video if you feel so, and like the video if you feel it useful. So thank you, bye bye and take care. Please check last two attempt question paper, that will be very useful. So bye bye, all the best.